हेलो स्टूडेंट, टुडे आई डिस्कस द टॉपिक रिट्रो एलिमेंट। व्हाट इज द रिट्रो एलिमेंट? इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट फाउंड इन द वायरसेस व्हिच कंटेन जेनेटिक मटेरियल आरएनए। ऐसे आरएनए वायरसेस जो कि बैक्टीरियोफेज की तरह काम करते हैं, उसमें कुछ आरएनए वायरसेस रिट्रो एलिमेंट की तरह वर्क करते हैं। तो रिट्रो एलिमेंट्स आर द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट दैट रिट्रो ट्रांसपोज वाया ए आर एन ए इंटरमीडिएट दैट इज रिवर्स ट्रांसक्राइब टू डी एन ए बाई द इनकोडेड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेट इन टू ए न्यू लोकेशन विद इन द होस्ट जीनोम बाई एन इंटीग्रेज इंजाइम। तो रिट्रो एलिमेंट्स आर द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट दैट प्रेजेंट इन द आर एन ए वायरसेस। तो रिट्रो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो आपका जेनेटिक एलिमेंट है वो जेनेटिक एलिमेंट कैसा है, इसको रिट्रो एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि रिट्रो एलिमेंट मींस कि आरएनए, यहाँ पे डीएनए की जगह आरएनए का ट्रांसपोजिशन हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं रिट्रो एलिमेंट। तो यहाँ पर कहता आरएनए सबसे पहले आपका डीएनए में कन्वर्ट होगा और डीएनए में कन्वर्ट होने के बाद तब ये होस्ट जीनोम में क्या होता है, इंटीग्रेट करता है, उसी के साथ ही अटैच हो जाता है। तो आरएनए से डीएनए जो आपका बन रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उस एंजाइम को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो रिट्रो एलिमेंट्स आर, अब यहाँ पे इसका डायग्राम है रिट्रो एलिमेंट कैसे आपका काम करता है। तो यहाँ पे रिट्रो एलिमेंट्स ये है आपका फ्लैंकिंग रिपीट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका जो सेगमेंट है दिस इज द फ्लैंकिंग रिपीट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका रिट्रो एलिमेंट्स है और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, डायरेक्ट रिपीट है। तो इस रिट्रो एलिमेंट का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होकर के आरएनए बनाता है और आरएनए से फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ए आर एन ए आपका डबल स्टैंडर्ड डी एन ए में कन्वर्ट होता है। तो या इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो आपका डबल स्टैंडर्ड डी एन ए है, ये आपका ओल्ड कॉपी ऑफ द रिट्रो एलिमेंट्स है, यहाँ पे इसको कट करता है, लाइगेट करेगा और यहीं पे आकर के आपका इसके साथ इंटीग्रेट कर जाता है विद द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम इंटीग्रेज एंजाइम। तो ये आपका ओल्ड कॉपी है, ये ओल्ड कॉपी और यहाँ पे न्यू कॉपी, यही ओल्ड कॉपी अब आपका रिट्रो एलिमेंट यहाँ पे आकर के वो अटैच हो गया। तो इस तरह से जो रिट्रो एलिमेंट्स हैं वो पार्टिकुलरली री इंटीग्रेट कर जाता है जो जीनोम है उसके साथ साथ, इसलिए इस तरह के जेनेटिक एलिमेंट को क्या कहते हैं, रिट्रो एलिमेंट।
रिट्रो एलिमेंट्स क्या होता है? ए ट्रांसपोजिशन इन्वॉल्व एन आरएनए इंटरमीडिएट इज कॉल्ड रिट्रो ट्रांसपोजॉन्स। द बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व थ्री स्टेट्स। जो ट्रांसपोजिशन है जिसमें कि आरएनए इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द रिट्रो ट्रांसपोजॉन। इसके मैकेनिज्म में तीन बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व हैं मेन। पहला जो आपका स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, एन आरएनए कॉपी ऑफ द ट्रांसपोजॉन्स इज सिंथेसाइज बाय द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तो जो ट्रांसपोजॉन्स है वो नॉर्मल प्रोसेस जो ट्रांसक्रिप्शन का है उस प्रोसेस द्वारा एक कॉपी जो है उसको प्रोड्यूस हो करेगा, एक कॉपी प्रोड्यूस होता है। सेकेंड स्टेप में क्या है कि द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज कॉपीड इनटू डीएनए व्हिच इज इसेंशियली एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल आउटसाइड ऑफ द जीनोम। दिस कन्वर्जन ऑफ आरएनए टू डीएनए इज द रिवर्स ऑफ द नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। रिक्वायर ए स्पेशल एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है कॉपी हुआ और वो डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है, आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हुआ, उसके लिए जो आपको एंजाइम रिक्वायर है उस एंजाइम को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इन द प्रेजेंस ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू द डीएनए। अब जो डीएनए कॉपी उसका प्रिपेयर हो गया, तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, द डीएनए कॉपीड बाय द ट्रांसपोजॉन्स इज को इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इंटीग्रेज। तो जो डीएनए कॉपी है ट्रांसपोजॉन्स का वो होस्ट जीनोम के साथ या जो भी जीनोम उसके साथ इंटीग्रेट कर जाता है, उसके लिए जो जरूरी एंजाइम्स है उस एंजाइम का नाम क्या है, इंटीग्रेज एंजाइम। तो इस डायग्राम को आप देख सकते हैं फिर से दोबारा कि यहाँ पे ये डायग्राम शो कर रहा है रिट्रो एलिमेंट्स के लिए है डायग्राम में, ये आपका रिट्रो ट्रांसपोजॉन्स। यहाँ पे फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट है, ये भी डायरेक्ट रिपीट है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए बना, आरएनए से फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इसके लिए जो एंजाइम है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, डीएनए डबल स्टैंडर्ड बना, फिर ये इसी के साथ इंटीग्रेट कर गया और एक ओल्ड कॉपी पहले से है और ये आपका नया कॉपी आकर के यहाँ पे अटैच हो गया। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, रिट्रो एलिमेंट। अब इसके बाद आपका जो है टॉपिक, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसपोजॉन्स। तो आपका तीन तरह का मोबाइल एलिमेंट हुआ, एक है आईएस एलिमेंट, दूसरा है कंपोजिट ट्रांसपोजॉन्स और तीसरा है, थर्ड इज ए रिट्रो एलिमेंट। तो इन तीनों को मिला करके क्या इसका इम्पोर्टेंस है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं कंपोजिट ट्रांसपोजॉन, आईएसआई एलिमेंट और रिट्रो एलिमेंट, इसका प्रोकैरियोटिक सेल के लिए क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो जो जेनेटिक एलिमेंट आपका ट्रांसपोजॉन्स का है, आईएसआई एलिमेंट है, कंपोजिट ट्रांसपोजॉन्स हैं, उसका बैक्टीरियल सेल के लिए या प्रोकैरियोटिक सेल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, किस पर्पस के लिए, जो हम लोग ड्रग यूज़ करते हैं फॉर द बैक्टीरियो स्टैटिक या बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टी जो ड्रग की होती है,
उस ड्रग से, जैसे हम लोग कोरोना काल चल रहा है, सब लोग जानते हो, सब लोग वैक्सीन के पीछे पड़े हुए हैं कि वैक्सीन किस कंपनी का वैक्सीन सबसे पहले मार्केट में आए। तो वैक्सीन क्या करेगा? वैक्सीन उस वायरस के अगेंस्ट आपके शरीर में या एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल को किल करने के लिए हम लोग जो दवा यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मीन्स कि वो बैक्टीरिया के लिए पार्टिकुलर है। जो भी ड्रग हम यूज करते हैं फॉर द किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड द एंटीबायोटिक्स। वायरसेस, जैसे कोई आप वायरस है तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक यूज नहीं कर सकते हैं, वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वायरसेस को किल करने के लिए जो ड्रग हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंटी वायरल एजेंट, दैट इज नॉट द एंटीबायोटिक। तो पार्टिकुलरली जो आपका बैक्टीरियल सेल है, उसको जो भी हम दवा, जैसे आपको टाइफाइड फीवर हो गया तो उसके लिए हम जो है जो दवा देते हैं, मान लीजिए क्लोरोफेनिकाल दिए, सेफेक्सिम दिए, आपको डायरिया हो गया उसके लिए हम नॉरफ्लॉक्सटीजेट दे रहे हैं। तो जो भी इस तरह के वायरसेस द्वारा, बैक्टीरियल द्वारा इन्फेक्शन हो रहा है, उसके लिए हम दवा यूज करते हैं। तो अब बैक्टीरिया जब ये दवा का ओवरडोज या इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा यूज होता है, तब उसके अगेंस्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस डेवलप करता है। बैक्टीरियल सेल रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, तो यही जो रेजिस्टेंस डेवलप करता है उसके वजह से क्या होगा, फिर वो स्प्रेड भी करता है दूसरे स्पीसीज में या सेम स्पीसीज में। तो बैक्टीरियल सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोजांस। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? बैक्टीरियल ट्रांसपोजांस आर क्लियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोजिशन आर जीन कंट्रोलिंग टू द रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। दे आर बिलीव टू प्ले ए रोल इन द रैपिड इवोल्यूशन ऑफ द आर प्लाज्मिड, मीन्स रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। जो बैक्टीरियल ट्रांसपोजांस हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन बैक्टीरियल सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके साथ साथ उसके इवोल्यूशन में भी, जो आपका रेजिस्टेंट डेवलप कर रहा है या रेजिस्टेंस को डेवलप, रैपिड इवोल्यूशन ऑफ द रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, जितने जल्दी जल्दी रेजिस्टेंस प्लाज्मिड डेवलप हो जाए पार्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, उसके लिए ट्रांसपोजांस वर्क करता है। आर प्लाज्मिड हैव एटलीस्ट टू कंपोनेंट, जो भी रेजिस्टेंस प्लाज्मिड है उसमें कम से कम दो मेन कंपोनेंट होने चाहिए। पहला जो है, वन कैरी ए सेट ऑफ जीन इन्वॉल्विंग इन द कॉन्जुगेटिव डीएनए एंड ट्रांसफर प्रोसेस। तो जो आर प्लाज्मिड का पहला काम है कि वो कॉन्जुगेशन के लिए काम करे, कॉन्जुगेशन प्रोसेस जानते हो आप लोग क्या होता है। दूसरा क्या है, सेकेंड क्या है, दूसरा जो पार्ट है ट्रांसपोजांस का, दैट कैरी द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ट्रांसफर फैक्टर। ये दोनों चीज़ें आपको किस में मिलेगा, जो कंपोजिट ट्रांसपोजांस है उसमें। आप देखिए कि ट्रांसपोजिशन के साथ साथ कोई एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जीन क्लोरोफेनिकॉल के लिए, कैनामाइसिन के लिए, एम्पीसिलिन के लिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन के लिए, तो कोई न कोई एक वो ड्रग रेजिस्टेंस जीन कैरी कर रहा है, इसलिए उसको कंपोजिट ट्रांसपोजांस कहते हैं। तो जो सेकेंड सेगमेंट है वो कोई न कोई रेजिस्टेंस जीन कैरी करेगा। तो रेजिस्टेंस ट्रांसफर फैक्टर कंपोनेंट कैरी द आर जीन, मीन्स रेजिस्टेंस जीन इज कॉल्ड द आर डिटर्मिनेंट। जो भी आपका रेजिस्टेंस प्लाज्मिड है वो आर डिटरमिन्स मीन्स किसके लिए, कौन से ड्रग के लिए या किस ड्रग के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है।
तो इसलिए क्या करता है, आर डिटर्मिनेंट या आर जीन, रजिस्टेंट जीन, आर डिटर्मिनेंट, आर आपका क्लोरोम्फेनिकॉल भी हो सकता है, आर जीन एम्पीसिलिन भी हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन भी हो सकता है, जो भी रहेगा वो क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट कहलाएगा। द ट्रांसमेबिलिटी एंड रैपिड इवोल्यूशन ऑफ द रेजिस्टेंस प्लाज्मिड विच काजेज जीन फॉर द रेजिस्टेंस टू ए होल बैटरी ऑफ अवर मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स आर ऑफ ग्रेट कंसर्न टू मेडिकल प्रैक्टिशनर, नॉट ओनली वन दिस प्लाज्मिड रैपिडली डिस्पर्स विद इन ए बैक्टीरियल जीनोम बट दे आल्सो ट्रांसमिटेड अक्रॉस द स्पीसीज। जो भी विच जो भी जीन्स हैं, जो भी रेजिस्टेंस जीन डेवलप कर रहा है बैक्टीरियल सेल्स में, वो क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है काम करता है। जैसे इस डायग्राम से आप समझिए कि मान लीजिए ये आपका कोई आर जीन है, रेजिस्टेंस जीन है, जैसे मान लीजिए क्लोरोम्फेनिकॉल रेजिस्टेंस जीन है, यहाँ पे डोनर कहलाता है। अभी जो रेजिस्टेंस डेवलप कर गया, मान लीजिए इस बैक्टीरियल सेल के अंदर क्लोरोम्फेनिकॉल के अगेंस्ट आर जीन डेवलप हुआ, अब यदि इस बैक्टीरियल सेल पे आप क्लोरोम्फेनिकॉल दवा इसको देंगे तो अब ये बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो आपका आर जीन है क्लोरोम्फेनिकॉल के लिए, वो कि एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिससे कि जब आप क्लोरोम्फेनिकॉल ड्रग देते हैं बैक्टीरियल सेल को, तब वो एंजाइम उस दवा के एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से आपका वो रेजिस्टेंस जीन डेवलप हुआ या रेजिस्टेंस जीन कहलाता है। अब जो रेजिस्टेंस जीन्स क्लोरोम्फेनिकॉल का डेवलप किया, अब क्या करता है, उस कम्युनिटी में बहुत तेजी से स्प्रेड कर जाता है। जैसे कोई न्यूज़ है, किसी को पता चल गया तो एक से दूसरे दूसरे तीसरे वो न्यूज़ जो है बहुत तेज़ी से, या कोई अफवाह उड़ गया वो बहुत तेज़ी से फैलता है। उसी तरह से जो ये क्लोरोम्फेनिकॉल जीन है, आर जीन है, वो उस कम्युनिटी में, उस एरिया में, सेम स्पीसीज का हो चाहे अदर स्पीसीज का हो, दोनों कंडीशन में बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है। क्यों, किसके वजह से, इसकी जो प्रॉपर्टी है डोनर की, उसके वजह से। जैसे हम लोग भी ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड डोनेट कैसे करेंगे, ए वाला ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, तो ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, लेकिन यहाँ पे जो आर जीन है ए ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे हम लोग ए वाला ए को दिए, लेकिन अभी मान लीजिए टाइफाइड वाला बैक्टीरिया है, तो ये जरूरी नहीं कि टाइफाइड वालों को ही दे सकता है, ये उस पार्टिकुलर सेम स्पीसीज के साथ साथ अदर स्पीसीज के बैक्टीरिया को भी ये रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफ़र कर सकता है। विद द हेल्प ऑफ द जीन ट्रांसफ़र प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो तीन ये जीन ट्रांसफ़र के प्रोसेस हैं नेचुरल कंडीशन में, ये क्या नेचर में हो रहा है, इसमें किसी को आर्टिफिशियल कोई टेक्निक नहीं लगाना, जीन क्लोनिंग नहीं करना है, ये नेचर में हो रहा है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। ये जो तीनों प्रोसेस हैं कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, ये तीनों प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस है। और जो भी ये बैक्टीरियल जीन है ये इसी तीनों प्रोसेस से बहुत तेजी से स्प्रेड करने का काम करता है, जिसके वजह से उस कम्युनिटी में आपका ये रेजिस्टेंस जीन का इवोल्यूशन बहुत ही फास्टर रेट से होता है, ड्यू टू द जो तीन मेथड है आपके, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, इस तीनों प्रोसेस के वजह से। तो यहाँ पे जो आपका
जीन का रेजिस्टेंस, जीन का डेवलपमेंट हो रहा है, अब उसके लिए कौन मेन रिस्पांसिबल है जो कि रेजिस्टेंस बैक्टीरियल सेल में बहुत फास्टर रेट से इंक्रीज कर रहा है। इसमें जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है, द मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स आर ऑफ द ग्रेट कंसर्न टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर, नॉट ओनली आर दिस प्लाज्मिड रैपिडली डिस्पर्स विद इन ए बैक्टीरियल जीनोम, बट दे आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड अक्रॉस द स्पीसीज। तो ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो डॉक्टर लोग हैं, उनको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी हम दवा दे रहे हैं उसका टेस्ट कराने के बाद ही दवा प्रिस्क्राइब करें, कोई भी एंटीबायोटिक। जिससे जो रेजिस्टेंस इतना तेजी से डेवलप कर रहा है उसको हम कुछ हद तक उसको रोक सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। और जो दूसरे बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस जीन आपका ट्रांसफर हो रहा है उसको भी हम जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक, जैसे कि अब हमारे देश में क्या है, कोई नियम कानून थोड़ा कमज़ोर है। ठीक है, नियम तो बहुत बड़ा संविधान है, लेकिन उस संविधान में जितना बड़ा उतना बड़ा लूप है। फॉरेन कंट्री में, अब सिर्फ हम एक एग्जांपल है, जैसे मेडिकल जो दवा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास गए आप, डॉक्टर आपको दवाई दे दिया कि आपको टाइफाइड फीवर है, तो अच्छा ये दवाई एक हफ्ता खा लीजिए। ठीक, एक हफ्ता आप दवाई खाए, आपका फीवर जब तक दवाई का असर उतर जा रहा है फिर आपको हो जा रहा है, फिर आप डॉक्टर के पास दूसरे टाइम गए, बोले डॉक्टर साहब दवाई तो ना काम करे, तो डॉक्टर साहब बोलिए अच्छा ठीक है को दूसरा दवाई लिख देते, तो दूसरा दवाई लिख दें। लेकिन यदि यही चीज़ आपको अमेरिका में हो जाए मान लीजिए, तो क्या होगा, डॉक्टर आपको तुरंत 10 दवाई नहीं लिखेगा ना, सबसे पहले आपका वो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट कराता है। ठीक, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, जैसे आप लिख दिया कि कल्चर एंड सेंसिटिविटी, कि आप इस पेशेंट का कल्चर करवाइए और सेंसिटिविटी दो जांच करवा के लाइए, तो ये आपका जांच रिपोर्ट आ गया। मान लीजिए हम 10 दवाइयों का टेस्ट आपके सैंपल पे के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टेंथ दवा का टेस्ट किए, अब इस 10 दवा में मान लीजिए तीसरा नंबर का, पांचवा नंबर का ये दवा बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो डॉक्टर लोग यही दवा आपको 3 नंबर वाला या 5 नंबर वाला इसमें से कोई एक दवा देंगे और आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। इंडिया में ये काम करते हैं लोग, लेकिन बहुत ही जब देर हो जाती है तब ये सब काम होता है। तो वहाँ पे रूल्स है कि जब तक एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आप कोई भी एंटीबायोटिक किसी भी पेशेंट को तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी की रिपोर्ट डॉक्टर के पास ना पहुंच जाए। तो डॉक्टर भी वहाँ पे बाउंड है कि आप भले से कुछ कितना भी सोर्स हो आपका, कुछ भी आप कह लीजिए, वो आपकी एक बात भी नहीं सुनेगा। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा आपको दवा दे ही नहीं सकता है, किसी भी कंडीशन में आपको दवा वो नहीं दे सकता। आपको दवा देगा कुछ ऐसे ड्रग्स जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स कहलाते हैं, वही दवा सिर्फ वो आपको चलाएगा जब तक कि इसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है। तो ये फॉरेन कंट्री में है इस तरह का नियम, इंडिया में भी नियम है, ऐसा नहीं कि इंडिया में नियम नहीं है, जो नियम फॉरेन में हो वही नियम इंडिया में भी है, लेकिन यहाँ पे लागू होना थोड़ा सा मुश्किल है, यही बात है। तो जो भी डॉक्टर्स लोग हैं, जो भी उनके पास साल भर का रिपोर्ट
जैसे पब्लिश होता है कि भाई इस साल में या इस ईयर में ये दवा आपका इसके लिए ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। तो दवा लिखते समय कम से कम इस चीज़ का ध्यान दें कि बहुत जो पुरानी दवाइयाँ हो गई हैं या जो 10 साल 20 साल से जो दवा चल रही है उसको न दे करके जो नया कम्बिनेशन का न्यूअर एंटीबायोटिक्स डेवलप मतलब प्रोड्यूस हुआ है मार्केट में उसको वो लोग चलाएं। पुराने वाला, क्योंकि जितना पुराना एंटीबायोटिक्स हो जाता है उतना ही रेजिस्टेंस वो डेवलप हो जाता है। तो इसलिए आज का क्लास आपका यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको कॉन्जुगेशन टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। ओके।